उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी यूनियन की कुछ समस्याएं हैं जिसे लेकर वो बैठक कर रहे हैं, क्या समस्याएं हैं उन्हीं से जानते हैं। आपसे जानना चाहेंगे मुख्य समस्या नीतिगत क्या है जिसको लेकर आप लोग परेशान हैं। मुख्य समस्या नीतिगत जो है कर्मचारियों के डीए जो कि उत्तराखंड के कर्मचारियों के बराबर नहीं मिल रहा है, और संविदा कर्मचारियों की जो है मानदेय कम मिल रहा है, आउटसोर्स कर्मचारियों का भी जो है पैसा कम मिल रहा है, और काम इस महंगाई में उनसे बहुत ज़्यादा लिया जा रहा है। जो रेगुलर कर्मचारी हैं सब सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनके स्थान पर इनकी नियुक्तियां हो रही हैं, तो जहां 60-70 हज़ार 80 हज़ार रुपये एक कर्मचारी तनख्वाह पाता था वहां 8-10 लड़के रख ले रहे हैं 5-5 हज़ार 7-7 हज़ार के, तो उनको पैसा जो है कम से कम ऐसा दे कि जो है जिससे वो जीवन गुजर बसर करें और कुछ परिवहन निगम में अच्छा काम करें। देखिए मुख्य समस्या इस समय उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में डग्गा मारी की है। आजकल डग्गा मार वाहनों के मालिकों द्वारा परिवहन निगम के रंगों में अपनी बसों को रंगवा कर डग्गा मारी की जा रही है, जिससे यात्री भ्रमित होता है और उनकी बसों में बैठ जाता है। जब वो यात्रा करता है तभी उसको पता लगता है कि ये तो प्राइवेट बस है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। प्रशासन की तरफ से कोई एकदम अनदेखी की जा रही है। यहीं आपके कस्टम ऑफिस के बगल से नंबर लगा के चलती हैं गाड़ियाँ, जिससे परिवहन निगम को लाखों रुपए का रोज का नुकसान हो रहा है। इस पर कोई कार्यवाही किसी के स्तर से नहीं की जा रही है, जिससे पूरा परिवहन निगम एकदम से खोखला होता जा रहा है और सरकार को भी लाखों रुपए का राजस्व नुकसान हो रहा है। जी, तो राजस्व का नुकसान हो रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, आप भी अधिकारी हैं, किस तरीके से आप लोगों की समस्याएं हैं और सरकार का भी राजस्व का नुकसान कर रहे हो रहा है, जैसे कि आपने बताया, क्या क्या दिक्कतें सामने आ रही हैं जिसकी वजह से बैठक कर रहे हैं? दिक्कतें आ रही है कि हमारे जो पुलिस प्रशासन है ये देखता है तो आँख मूल लेता है। और वैसे आप हमें ये कहना है बुनियादी समस्या, हाँ बुनियादी जो समस्या ये है कि पहली बात तो ये है कि राज्य कर्मचारी का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि हमें न पेंशन मिल पा रहा, न डीए समय से मिल पा रहा, और पेंशन मिलता भी तो 1000-1200 मिलता है, हाँ जिसमें काम है अन्य राज्यों में, जबकि है अन्य राज्यों में है, यहाँ नहीं है, तो इसमें राज्य कर्मचारी हो जाए तो बहुत समस्या सॉल्व हो जाए। दूसरी नहीं मिला, यही तो दिक्कत आ रही, तो हम लोग को पेंशन नहीं मिल पाता है। बस वही 1000-1200-1500 मिलता है, अब इस महंगाई में कैसे गुजारा होगा। और दूसरी बात है कि मानदेय जो कर्मचारी काम कर रहा है, तो हाई कोर्ट का भी आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का भी, कि 18,500 रुपया जो है प्रतिमाह मिलना चाहिए। अब आप ही बताइए कि जैसे भी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि 5,000-10,000 में खर्चा कैसे चलेगा, बच्चों को पढ़ाना, माँ बाप का हर चीज़, मकान किराया, दूध का, तो जो कोर्ट का जो आदेश है 18,500-18,500 कम से कम उतना देना चाहिए। और दूसरी बात, ये काम कर रहे हैं और आज तक इनको मानदेय वालों को परमानेंट नहीं कर रहे हैं और आउटसोर्सिंग भर रहे हैं, तो ये ना करके उस पर रोक लगाया जाए। और दूसरी बात, जो डग्गा मारी की बात है वो जो है रोडवेज के सामने नहीं लगना चाहिए। हम लोग कुछ कर्मचारी हैं, हम लोग लड़ नहीं सकते, हमारा एक दायरा है, हम लोगों ने निवेदन भी किया अधिकारियों से, फिर बाद में कहा जाता है कि जो है सवारी कम है, हमको लेटर मिलता है। दूसरी बात, हम लोग को जो प्रशासनिक कार्रवाई की जाती है तो हमें नोटिस नहीं दिया जाता, और वो जो है सीधे सीधे फर्जी रिपोर्ट अंकित कर देते हैं, जिससे हमारा प्रमोशन बाधित होता है। दूसरी बात, एक निवेदन ये है, ग्रेडेशन लिस्ट के हिसाब से प्रमोशन नहीं हो रहा है, हाँ, और जो हमें मौका नहीं देते, बचाव का मौका नहीं दे, उनको समझ में कर दिया जाते समय, तो ये कि विध के विपरीत है। इस तरह लंबे समय से आक्रोश होगा आप लोगों का? हाँ जी, लंबे समय से आप लोग ये मांगे उठा रहे हैं अभी? मांग हम लोग बराबर कर रहे हैं, लेकिन जो है न देखिए डीए का लाभ मिलता है, न प्रमोशंस के हैं, हाँ, और रिस्क बहुत ज़्यादा है। हम लोग कोरोना में हम लोगों ने बड़ी मेहनत किया, रेलवे भी बंद हो गया था और उसके बाद जहाज ही बंद हो, लेकिन रोडवेज चलता रहा, संघर्ष करता रहा। तो अन्य राज्यों में जैसे सुविधाएं दी जाती हैं उस तरह मिले, और ये इस पर रोक लगाया जाए जो डग्गा मार गाड़ियां हैं, क्योंकि हम लोग एक सीमित दायरा है। तो इस तरह से ही निवेदन है कि हम लोग समस्या को आप आगे बढ़ाएं, हम लोग छोटे कर्मचारी हैं।
तो ये यहाँ पर जो बैठक हो रही है उसके बाद यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनका कहना है कि कई स्तर पर कई तरह की उनकी समस्याएं हैं, ना तो उनको पेंशन मिलती है और आउटसोर्सिंग के जरिए यहाँ पर कर्मचारियों को भरा जा रहा है, नियमित जो भर्तियाँ वो नहीं हो रही हैं जिससे उनको परेशानी हो रही है। इसके अलावा एक बड़ी समस्या डगमारी की भी है जिसकी वजह से राज्य सरकार का राजस्व का भी नुकसान हो रहा है, इस पर भी अंकुश लगना चाहिए। दिनेश सिंह, TV9 UP, प्रयागराज।